जो है मैं इसमें सॉफ्ट सिलेक्शन टूल यूज करूँ। तो बेसिकली सॉफ्ट सिलेक्शन टूल क्या होता है मैं बता देता हूँ। जैसे ही आप बी दबाओगे ना तो आप ये ग्रेडियंट देख पा रहे हो, येलो पार्ट जो है आपका जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा, और जो धीरे धीरे ऑरेंज और रेड पार्ट जा रहा है वो धीरे धीरे वो कम इफेक्ट होगा। तो इसको हमें छोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी को जो है ना होल्ड करो बी कीबोर्ड में, और अपना जो लेफ्ट क्लिक है उसको भी होल्ड करो और उसको लेफ्ट साइड में ड्रैग कर दो। तो इस तरह हो जाएगा, वर्टेक्स बाय वर्टेक्स ऊपर नीचे करोगे ना कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि आपको आप में वो थोड़ी सी बम्पीनेस आ जाती है। बट अगर आप सॉफ्ट सिलेक्शन यूज करोगे ना आप इस तरह खींच पाओगे उसको। तो आप जैसे मैं इसको ऊपर करूंगा ये देखो ग्रेजुअली हो रहा है, ये बिल्कुल ऐसा जैसे आप एक स्कल्पटिंग कर रहे हो मॉडलिंग में। तो मैं इसको हल्का सा भी कर देता हूँ, तो ये देखो ये हो गया, ये अंदर हो गया, ये ग्रेजुअली हो रहा है, ठीक है, एक साथ नहीं हो रहा धीरे धीरे। इसका बहुत फायदा होता है, इससे बम्पीनेस नहीं आती है मॉडल में। लाइक अगर आप मैनुअली आप